मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, एक महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि पांच साल में पांच प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये पांच साल में पांच प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है। वो कहते हैं पांच साल में पांच प्रधानमंत्री। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए भैया, हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर है। यहां तो गांव का बच्चा भी राजनीति समझ जाता है। कोई समझदार कभी भी, अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? दस रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे? तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उसको ही देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये लोग घोर जातिवादी हैं, ये लोग घोर परिवारवादी हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने
बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे, कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है, जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे, जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था, इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था, और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थरथर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थरथर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, 2012। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था।